हे दोस्तों, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी आपके लिए लेकर आता है हर दिन की टीवी से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और बताते हैं आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। ये रिश्ता के इस स्टार के घर छाया मातम, रो रो कर बुरा हुआ हाल। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में रिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रियंवदा कांत के पिता की अचानक मौत हो गई है। हालांकि प्रियंवदा के पिता का देहांत 7 मई को हुआ था, लेकिन ये खबर अब जाकर सामने आई है जब एक्ट्रेस ने अपने पिता को लेकर एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रियंवदा के अलावा तमाम टीवी स्टार्स भी उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। सिद्धार्थ का नया प्रोजेक्ट इस दिन होगा रिलीज। सिद्धार्थ शुक्ला का नया प्रोजेक्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 को लेकर खबरें सामने आई हैं कि सिड का यह नया प्रोजेक्ट 29 मई को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वेब फिल्म में सिड के अपोजिट सोनिया राठे नजर आएंगी, जिनके साथ उन्होंने कई रोमांटिक सीन भी शूट किए हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। अभी ऑफ एयर नहीं होगा कलर्स टीवी का शो पिंजरा खूबसूरती का। जी हाँ, पिछले कई हफ्तों से खबरें सामने आ रही है कि टीआरपी ना मिल पाने की वजह से कलर्स टीवी का शो पिंजरा खूबसूरती का ऑफ एयर होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन अब लेटेस्ट खबरों की माने तो इस शो को कलर्स चैनल ने फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है और अगले 2 महीने तक इस शो को ऑफ एयर नहीं किया जाएगा। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। एंटरटेनमेंट की होगी जबरदस्त बरसात, आ रहे हैं 8 नए टीवी शोज। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कोरोना ने टीवी इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया है और कई टीवी शोज ऑफ एयर होने की कगार पर हैं, तो वही लेटेस्ट खबरों की माने तो आने वाले कुछ ही महीनों में 8 नए टीवी शोज जल्द ही दस्तक देंगे, जिनमें से कुछ शोज स्टार प्लस पर तो कुछ स्टार भारत पर लॉन्च किए जाएंगे। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। तारक मेहता के इस स्टार पर टूटा दुखों का पहाड़, सामने आई बुरी खबर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम पुराने टपू यानी कि भव्य गांधी ने अपने पिता को खो दिया। वे कोरोना से संक्रमित थे और ये कोरोना भव्य के पिता के लिए काल बनकर आया। बताया जा रहा है कि उनके शरीर में अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से मंगलवार को उनका निधन हो गया। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। अली असगर की अनोखी मदद, कोरोना में कर रहे हैं ऐसे काम। जी, कोरोना के इस भयंकर दौर में अपनी जान को दांव पर लगाते हुए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसे में कॉमेडियन अली अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अली ने बताया कि वो अस्पताल में जाकर हेल्थ वर्कर्स को एंटरटेन कर रहे हैं। अली ने ये भी कहा कि उन्होंने अब तक इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनका मानना है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। एक्ट्रेस आरती सिंह ने शेयर की वैक्सीन लगाते हुए फोटो, हो गई ट्रोल। एक्ट्रेस आरती सिंह ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने वैक्सीन लगवाते हुए फोटोज भी शेयर की, लेकिन उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ गया। ट्रोल्स उन्हें ओवर एक्टिंग ना करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल आरती फोटोज में वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाते हुए डर रही हैं। उन्होंने पोस्ट कर बताया कि उन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। इस पर ट्रोल बोल रहे हैं कि टैटू बनवाते हुए डर नहीं लगता क्या। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबर। ऐसे ही हर खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्रेजी फोर टीवी के साथ।